हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको केलोंग से बारालाचा और बारालाचा पास से मनाली तक का सफ़र दिखाया। मनाली हम रात में थोड़ा लेट पहुंचे, अंधेरा हो चुका था, लेकिन जब हम सुबह उठे तो हमारे होटल से कुछ ऐसा व्यू नज़र आ रहा था। ये सुंदर व्यू एंजॉय करने के बाद हम चल पड़े हिडिंबा देवी टेम्पल की तरफ। हिडिंबा टेम्पल के रास्ते पर हम पहुँच गए हैं फाइनली, और ये मेरी बेटी सो रही है मजे से, बेचारी को गोद में नींद आ गई। हिडिंबा देवी टेम्पल काफ़ी बिजी स्पॉट है, और आप जो है यहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके जाएंगे तो आपको कम भीड़ दिखेगी। हमें भी लगभग 15 से 20 मिनट तक लाइन में लगना पड़ा और फिर जाके हम दर्शन कर पाए। मंदिर परिसर में लगभग हम लोग आधे से एक घंटा रुके, और काफ़ी अच्छा शांत माहौल वहाँ पे हमें महसूस हुआ, काफ़ी पॉजिटिविटी हमें फील हुई वहाँ पे। होटल वापस जाते हुए रास्ते में हमें ये एक और खूबसूरत मंदिर देखने को मिला, जिसकी पूरी बनावट जो है लकड़ी की थी और काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ था। यहाँ पे भी लगभग हम लोग 15-20 मिनट रुके। ये थोड़ा आगे जाते हुए हमें मनु ऋषि जी का टेंपल मिला, जिसमें कि रेनोवेशन का काम चल रहा था। दोपहर का समय हमने होटल से ही इंजॉय किया, और वहाँ पर व्यू देखते देखते शाम हो गई। शाम में हम यहाँ पे मनाली नेचर पार्क में आए, और यहाँ पे सिर्फ नदी की आवाज़ और हम लोग थे, और थोड़े बहुत लोग वहाँ पे वॉकिंग करने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खींचे। नेचर पार्क से हम सीधे मॉल रोड आ गए, और मॉल रोड में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की, कुछ सुवेनियर खरीदे और तिब्बतन फूड खाया, जैसे कि थेंथुक और थुपका, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और डिनर करके आज का दिन भी हो गया समाप्त। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हम लोग विशिष्ट टेम्पल गए, और मनाली का ट्रिप यहाँ पे आए बिना एक तरह से अधूरा ही है, और यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स में आप बाथ भी ले सकते हैं, और लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग पूल्स बने हुए हैं। और जो मेंस का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बिल्कुल मंदिर के साथ में है, और यहाँ पर जो ये पूल है इसमें डायरेक्टली हॉट स्प्रिंग का पानी आ रहा है। और काफ़ी लोगों को आपको पता होगा कि ये जॉइंट्स के लिए और बॉडी के लिए एक अच्छा हीलिंग का काम करता है। विशिष्ट टेंपल में दर्शन करने के बाद और हॉट स्प्रिंग्स में नहाने के बाद अब हम नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जो कि है सेथन। और सेथन के रास्ते में जाते हुए हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले, क्योंकि वो हाइट पर है, और जो सेथन का रोड है वहाँ से मनाली और कुल्लू का एरिया काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। सेथन में हम लोग एक होम स्टे में रुके, और सेथन विला नाम का एक होम स्टे हमें मिला, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। इसमें जो इंटीरियर का काम किया हुआ था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एक सेपरेट सीटिंग स्पेस भी इसमें प्रोवाइड किया हुआ था काम करने के लिए। जैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो मैं यहाँ पे काम कर रहा था, और यहाँ पे बाहर भी काफ़ी स्पेस है जहाँ से कि बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आ रहे थे। स्टे के काफ़ी कम ऑप्शंस है सेथन में, क्योंकि ये एक ज़्यादा बड़ा जगह नहीं है, बहुत छोटा सा गांव है, और
दोपहर में मैंने थोड़ा ऑफिस का काम निपटाया, रेस्ट किया, और शाम में जो है बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ चाय का आनंद लिया। अगले दिन जब हम सुबह उठे तो काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आ रहा था। अगले दिन मेरी छुट्टी थी तो हम लोग थोड़ा ट्रैकिंग पे निकल गए। एक हमटा पास करके जो है एक बहुत ही फेमस ट्रैक है, जो कि सेथन गांव के लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर वहां से शुरू होता है। सेथन के आसपास आप किसी भी जगह पर आप निकल जाइए और आपको ट्रैकिंग में जो है मज़ा आएगा, छोटा मोटा ट्रैक आप कर सकते हैं। यहाँ से ही हमटा पास का ट्रैक शुरू होता है और काफ़ी लोग जो हैं हमटा पास के लिए यहाँ से निकलते हैं ट्रैक के लिए, और कुछ लोग जो है वशिष्ठ से ट्रैक शुरू करते हैं और यहाँ पर आके अपना ट्रैक ख़त्म करते हैं। क्योंकि हमारे साथ एक बेबी था तो इसलिए हम लोग ज़्यादा दूर तक नहीं गए, जहाँ तक भी हम लोगों को कम्फर्टेबल लगा हम लोग गए, और इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ कि मैं वर्ड्स में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। सेथन के शांत माहौल में दो दिन बिताने के बाद हम लोग वहाँ से सीधा घर की तरफ निकले। रास्ते में हम लोग कुल्लू में नग्गर पैलेस भी हमने विज़िट किया, और नग्गर पैलेस जो है वो एक काफ़ी मस्ट विज़िट प्लेस है कुल्लू में, ना सिर्फ उसके आर्किटेक्चर के लिए बट वहाँ से जो व्यू दिखता है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। लंच में कुछ फास्ट फूड और हमने कुछ कॉफ़ी ड्रिंक्स वगैरह भी पिए, और उसके बाद हम लोग सीधा घर की तरफ निकले। मनाली विज़िट की ये हमारी फोर्थ और लास्ट वीडियो है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी सारी वीडियोज़ देखी होंगी, और प्लीज़ लाइक एंड subscribe।